का आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा आवेदक एवं आरटीआई कार्यकर्ता को किस तरह बुर्वक बनाया जाता है या किस तरह वे लोग पद के दुरुपयोग करते हैं या किस तरह हो रहे भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख लीजिए, या कोई कर्मचारी या छोटा मोटा पदाधिकारी के कार्यालय की बात नहीं है, यह आयुक्त कार्यालय कमिश्नर साहब के कार्यालय का यह भ्रष्टाचार का करतूत है, जिनके यहाँ भी खुलेआम धांधली होती है। यह आयुक्त कार्यालय कोसी प्रमंडल सहरसा की मैं बात कर रहा हूँ और साक्ष्य के साथ आप लोगों को भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, या उपयोगी वीडियो लगे तो एक दूसरे को शेयर अवश्य करेंगे, जिससे इस तरह के भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके और आप लोग अवश्य ध्यान देंगे। अपने अपने आरटीआई आवेदन देने के बाद अगर जरा जवाब प्राप्त होता है या किसी तरह की धांधली होती है तो आप लोग देखें। मैंने यह लोक शिकायत के तहत एक बात पर आयुक्त कार्यालय में हो रहे द्वितीय अपील से संबंधित कुछ सूचनाएं की मांग की थी, सॉरी प्रथम अपील से संबंधित कुछ सूचनाएं की मांग की थी, जिसमें पीआईओ द्वारा कहा गया था कि आपको कोविड-19 के कारण किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती है। जब मैंने प्रथम अपील किया, आप लोग देखें यह प्रथम अपील पदाधिकारी का आदेश है, लेकिन प्रथम अपीलीय पदाधिकारी खुद कमिश्नर साहब होते हैं, इन्होंने तो और अधिक अद्भुत काम किया। इन्होंने मुझे 3 बार नोटिस भेजा सुनवाई के लिए। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, आप लोग इसे देखें, लेकिन 3 बार मुझे नोटिस प्राप्त हुआ जब सुनवाई की तिथि समाप्त हो गई। यह जानबूझकर ऐसा किया गया। मैंने इसमें DCLR साहब का शिकायत किया था और मैंने देखी, आप लोग भी यदि इस तरह की हो तो यह जो है ट्रैक है, यह जो आप लोगों को जिससे भेजा जाता है नोटिस या सूचना, उसमें जो इंडिया पोस्ट का जो होता है टिकट, उसमें एक नंबर रहता है। आप लोग भी अवश्य इसका ये देखिए, जैसे ये एक नंबर है इस तरह का, इसमें जानबूझकर किया गया। मुझे 3 बार नोटिस किया गया था, आपको लोगों को भी मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये है नोटिस, एक ये हुआ, दो ये हुआ, तीन। लेकिन 3 बार नोटिस मुझे जानबूझकर जब सुनवाई समाप्त जब हो जाती थी, डेट जब समाप्त हो जाता था उसके बाद मुझे नोटिस प्राप्त होती थी। तो यह हमारे IAS ऑफिसर सब का ये काम है, जिन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इस तरह का काम किया है, इसलिए मैंने इसके बारे में आयोग में अपील भी किया हूं। आप लोगों को भी यदि इस तरह का कोई धांधली के कारण गुमराह किया जाता है या झूठा दबाने के लिए परेशान किया जाता है, तो आप लोग इसको अवश्य ट्रैक करके निकलवा लेंगे कि जब आपको सूचना दी गई कब और आपको नोटिस कब प्राप्त हुआ या सूचना कब प्राप्त हुआ। यह इंडिया पोस्ट के आईडी पर यह निकल जाता है, यह हमेशा नहीं निकल पाता है, इसलिए जब भी इस तरह की घटना हुई आप लोगों के साथ तो आप लोग इसे निकलवा के अवश्य रखें। जय हिंद।